दुनिया स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप मेहंदी खाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप आना आप भी आना, संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप आना गिफ्ट भी लाना, जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। दुम, 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 दुम। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दादी हम सब ने की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराते, हम सब बाराती, देखो हम सब बाराते, हम सब बाराती, होय होय हम सब बाराते, हम सब बाराते, भैया हम सब बाराते। जोड़ियां स्वर्ग में बनी, दुनिया का बेस्ट कलाकार, शादियां हमसे बनी। मंडप मेहंदी खाना पीना डोलियों के संग, ओ ढोल वाले ढोल बजाओ, लड़की वालों का भूल बनाओ। हम सब बाराती, हम सब, हम सब बाराती। एक छोटा सा एडवांस हो जाए। आज मैं आपको एक एक्सक्लूसिव वेडिंग प्लानर फैमिली से बनाने जा रही हूँ। एक ऐसा परिवार जो शादी का पूरा आयोजन करता है, सगाई से लेकर विदाई तक सब कुछ। मैं हूँ चिन्मय, पर पता नहीं लोग मुझे क्यों चीनी मिनी कहते हैं। आइए मिलते हैं बराती परिवार के बड़े बेटे से, मिस्टर चंदू मेहता, शहर के जाने माने हलवाई। हलवाई? मुझे नहीं देना ये इंटरव्यू। चंदू जी, हलवाई नहीं, केटरर। I'm sorry, केटरर। केटरर। न जाने क्यों मेरे हाथों से इतना अच्छा खाना बन जाता है कि लोग जो है ना खाना खाते खाते उंगलियां भी चबा जाते हैं। लेकिन चम्मच से खाना खाए तो चम्मच भी चबा जाते हैं, गज 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 गज। अरे आप यकीन नहीं करेंगे, पिछली शादी में एक मेहमान के पेट में से एक दर्जन चम्मच से निकली। अब तो हमने एक्सरे मशीन ही बिठा दिया है। Really? या तुरंत पता चल जाता है मेहमान के पेट में और जेब में कितनी चम्मचें हैं। भैया मेरा तो एक ही सिद्धांत है, दिल सच्चा तो खाना अच्छा। इश, I love every dish. Hi everybody, इनसे मिलिए, ये हमारे प्यारे प्यारे नथु भैया, शहर के जाने माने मंडप वाले। नथु डेकोरेटर, नथु डेकोरेटर। नथु जी, आपके इस मंडप में खास बात क्या है? हमारे बांधे हुए मंडप में जो भी शादी होती है वो शायद 3-4 दिन में टूट सकती है, लेकिन हमारा बांधा हुआ मंडप कभी नहीं टूटता। इसके पीछे मैं आपको बता सकता हूँ, जरूर किसी विदेशी का हाथ है। लोचा, लोचा, लोचा। ए नथु भैया, आइए लोचा। इनसे मिलिए, ये है लोकेश चावला, हमारे प्यारे लोचा भाई। अरे भाई, मैंने मंडप की पूजा के लिए नारियल मंगवाया था, वो कहाँ है? ये लीजिए नथु भैया नारियल। अरे सूखा नारियल मंगवाया था पूजा में फोड़ने के लिए, ये नारियल के तेरे सर पे फोड़ू? ये हरा नारियल, इसमें पानी ताजा होता है और मिलाई भी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ला इधर, मैं पीता हूँ। तू सूखा नारियल लेके आ। डिसाइड कीजिए, सूखा नारियल साथ में स्ट्रॉ चाहिए। अब मैं आपको मिलाती हूँ बराती परिवार की ग्लैमरस क्वीन से, मीठी मीठी खूबसूरती। Follow me, guys. ईजी योजी मीठी भौजी। ओए होए। Baby. Hi, मीठी भौजी। Oh, hi, चीनी मीनी। कैसे चल रही है आपकी प्रैक्टिस? प्रैक्टिस? मैंने तो शादी के गानों का एक एल्बम भी बनाया है। मेहंदी हल्दी जल्दी जल्दी में जल्दी जल्दी। तो ये थी मीठी भौजी। Now follow me, guys.
सजना है मुझे सजना के लिए सज... आपका हो जाए तो जरा मुझे भी सजाना, शादी मेरी होने वाली है। ओहो भाभी, आपको कितनी बार कहा है ये चूना आपके चेहरे पे नहीं इनके चेहरे पे चौपड़ना है। मिलिए बराती परिवार की ब्यूटीशियन बहुओं से। ये है मेरी प्यारी भाभी जिन्हें लोग भानु कहते हैं। हेलो। और मैं हूँ उसकी छोटी भाभी, मुझे प्यार से लोग भानु नहीं हर्षा कहते हैं। वे ब्यूटीशियंस, पर हमारा मेकअप कोई और करता है। गुजराती में कहूँ तो हम हैं कमाल के। That's great. तो चलिए अब मिलते हैं जिन्होंने सालों पहले बराती परिवार की शुरुआत की थी, यानी कि वृंदावन मेहता और कांता मेहता से माय पॉप्सी और मामा। लेट्स गो। पॉप्सी, आप मुझे एक बात बताइए, आप ये शादी के बिजनेस में कैसे आए? तुम्हारे दादाजी की वजह से। सच बताऊं, मेरे पिताजी ने 10 टाइम शादी किया था। हा? मेरे पिताजी की 10वीं शादी में वरदान भी मैंने खुद ने किया था। वरदान? कन्यादान होता है ऐसे वरदान। यूं मेरे पिताजी की शादी करवाते करवाते मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने मेरी दुकान खोल दी। हम रोज शादी करवाते हैं। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून नहीं, शंघाई नून। हाँ, शंघाई नून। ये हमारी मॉम कांता बेन। इनका दिल जैकी चैन से मिला हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। I love जैकी चैन। उसने चुराया दिल का चैन। वैसे हमारी मम्मा ज्योतिष विद्या को बहुत मानती है और दूल्हा दुल्हन की कुंडलियां मिलवाती है। क्योंकि जब मैंने तेरे पिताजी से शादी की थी हमने कुंडलियां बिल्कुल नहीं मिलाई थी और देखा कैसा सत्यानाश हो गया मेरी जिंदगी का। जब से दुनिया में शादियां हो रही है तब से हमारा बाराती परिवार सबसे पुराना कैटरिंग और मंडप सर्विस है। बेफिक्र रहिए पिताजी, हम दूसरों की शादी को अपनी शादी समझेंगे। क्या? दूसरों की बीवियों को अपनी बीवी समझेंगे। What nonsense? मन्ने, मन्ने। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम दूसरों की शादी को अपनी शादी समझकर ईमानदारी से करवाएंगे। क्योंकि हम तो रोज करते हैं शादी। प्रॉफिट सिंगल हो या डबल, फेल तो ट्रिपल रिफाइंड ही होगा। क्योंकि शादी करवाना हमारा धर्म है। ये दुनिया शादी का मंडप है और हम सब बाराती। अरे भगवान, हमारी बेटी तैयार हुई कि नहीं? वो तो तैयार हो जाएगी। हाँ। लेकिन ये मंडप कब तैयार होगा? बारात आने का वक्त हो गया है। नत्थू जी, इसके पास माचिस नहीं है। ये मंडप कब तैयार होगा? बारात के आने का वक्त हो गया है। आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आपको जिम्मेदारी जैसी कोई चीज है कि नहीं? आप कैसे काम करते हैं मुझे सब? एक मिनट, पहले आप मुझे ये बताइए आपकी बेटी की उम्र क्या है? 24 साल। 24 साल इंतजार करने के बाद आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं और आप चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारा तामझाम तैयार हो जाए? तो क्या 24 साल इंतजार करूं? चिंता मत करो, ये हमारा काम है, सब टाइम पे हो जाएगा। पहले आप अभी एक 5,000 दीजिए। 5,000 क्यों? वो दूल्हे के लिए जो घोड़ी भेजी थी उसको ट्रैफिक हवालदार ने रास्ते में पकड़ लिया है। क्यों? घोड़ी ने बेल्ट नहीं बांधा था? बेल्ट तो बांधा था लेकिन उसकी स्पीड शायद ज्यादा थी। देखिए, घोड़ी को छुड़ाना पड़ेगा, अगर नहीं छुड़वाया तो बारात नहीं पहुंचेगी। घोड़ी को पूरे 5,000 रुपए देने हैं, देख लीजिए आप। एक मिनट, घोड़ी को 5,000 देने हैं कि घोड़ी वाले को 5,000 देने हैं? दोनों को। दोनों का जॉइंट अकाउंट है ना बैंक में। ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें घोड़ी और घोड़ी वाले दोनों का जॉइंट अकाउंट है? घोड़ापुर समता बैंक। हाँ, यहाँ नुक्कड़ पे ही है, तबेले के बाजू में। बहुत मस्त बैंक है, हमारे भी जॉइंट अकाउंट है उधर। हम लोग रोज जाते हैं और वहाँ से निकालते हैं कैश। ये घोड़ी के पैसे मैं क्यों दूं? वो तो दूल्हे वाला देंगे। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। हमने भी उनको यही कहा तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? क्या? घोड़ी है इसलिए लड़की का बाप देगा, अगर घोड़ा होता तो हम देते। ऐसा है सर, इस जमाने में लड़की का बाप हो के जीना मतलब अरे बाप रे बाप। हाउ डू यू मैनेज सर? ये लो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हंस के दीजिए। बजाओ, सब मिलकर बजाओ, दुल्हन का बाप हूँ ना। ओ ढोल वाले, ढोल बजाओ, लड़की वालों का मूड बनाओ। पीत ढोल जल्दी जल्दी लगाओ मेहंदी हल्दी। ओए चक दे। हे
क्या लोचे? धोबी भाग गया। ये धोबी लोग है ना रामायण के टाइम से टेंशन दे रहे हैं। मैंने आपकी टेंशन सॉल्व कर दी है। अच्छा? धूले का पिजामा मैंने खुद इस्त्री किया। ये धूले का पजामा है या गेटवे ऑफ इंडिया? क्या क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया? सॉरी भैया, अभी बिना पजामे के बेचारा ये शादी कैसे करेगा? तो फिर अरे भाई साहब, मैं बचपन से सपना देखा करता था कि मेरी शादी होगी, और हर सपने में पजामा भी था। तुमने जलाया ना मेरा पजामा, अब तुम्हारा पजामा निकालो। चलो चलो। अगर मैं तुम्हें पजामा दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? दूसरों की शादी में अगर मैं नंगा होऊंगा तो उससे कौन शादी करेगा भाई? अरे तुम्हारी शादी जब होगी तब होगी, या मेरी शादी टूट जाएगी भाई साहब। लेकिन वो बस एक मिनट, देखो भाई मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पजामा ले लो बस। लेकिन इसके 10,000 लगेंगे। 10,000? 10,000 रुपए में मार्केट में 10 पजामे आ जाएंगे भाई साहब। अच्छा, तो आज शादी में नंगा घूमो और कल मार्केट से 10,000 के 10 पजामे लाना और 10 के 10 एक साथ पहन लेना। ये टाइम के पैसे हैं, पजामे के पैसे नहीं है। चलो भाई चलो, इधर किसी को इतनी अक्ल है ही नहीं। चलो ओके ओके, मैं पैसे दूंगा ना, आप पजामा निकालो। पजामा निकालने के बाद तुमने पैसे नहीं निकाले तो पैसा लो और पजामा दो। अब अगर मैंने पजामा नहीं दिया तो अरे भाई साहब ऐसी बात मत करो यार। रो रहा है, दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार। आइए आइए। आतंकवादी, नथू लोचा, नथू लोचा। क्या हुआ? आतंकवादी आ गए हैं, सारी मिठाइयाँ छुपा दो नहीं तो बंदूक की नोक पर सब छपा चेक कर जाएंगे। अरे ये आतंकवादी नहीं है, ये तो मगनलाल शाह की सिक्योरिटी है। मगनलाल जी द डायमंड किंग। मगनलाल शाह? अरे वो डायमंड मर्चेंट रही साथ में। ये तो 800 करोड़ का आसामी है। बता रही है। नमस्ते भाभी, कैसी हो बेटी? I'm fine अंकल। अरे रे रे, देखो देखो, साथ में उसके साथ उसकी जवान बेटी भी है जो शादी के लायक है। हाँ, और मगनलाल ने अभी भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी इकलौती जवान बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता है। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाना चाहता है। अरे भगवान खड़ी क्या, इन्हें ले जाओ भाभी जी को अंदर ले जाओ। आइए आइए। मगनलाल शाह की बेटी की शादी में मंडप का कॉन्ट्रैक्ट मेरा और पूरिया तल्ले का मेरा और लोचे माने का कॉन्ट्रैक्ट मेरा। पधारिए पधारिए पधारिए। आक्रमण। नमस्ते। ये लीजिए सर जी, आपके लिए हीरो में तराशी हुई रबड़ी। थैंक यू। शक्कर कम है? आपको डायबिटीज है? नहीं। अरे क्या बात करते हैं, हमारे कंप्यूटर में हमारे सारे मेहमानों का बायोडाटा मौजूद है। आपको शक्कर की क्या जरूरत है मगन भाई, आपकी तो खुद की शक्कर की 10-10 फैक्ट्रियां हैं। 10 नहीं 8। अच्छा, 2 बेच दी। क्या कर रहा है? अच्छा, रबड़ी के अलावा खाने में और क्या स्पेशल आइटम है? चॉकलेट खिचड़ी। चॉकलेट खिचड़ी? यस, चॉकलेट खिचड़ी, क्योंकि चॉकलेट कैन से इट बेटर देन वर्ड्स। जो बात लफ्जों से बयान नहीं होती उसे चॉकलेट कह देती है अपने आप। आप ये मेरी खिचड़ी, मेरी बीवी डिश। आई लव दिस डिश। मगन भाई, मेरा नाम नथू डेकोरेटर है, ये मेरा कार्ड है। सामने जो मंडप दिख रहा है ना, वो मैंने लगाया है। लेकिन आपको नहीं लगता मंडप थोड़ा टेढ़ा है? टेढ़ा जानबूझ के टेढ़ा लगाया गया है।
क्या है, शादीशुदा जीवन सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा होता है, उस बात का ये प्रतीक है। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब बोला कितना भी टेढ़ा हो लेकिन विचार बड़ा गहरा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मगन भाई, सगाई से लेकर विदाई तक सारा काम हम संभालते हैं, आपको बस सिर्फ बच्चा पैदा करना होता है। वो क्यों हम पे छोड़ा? आप समझ जाइए ना भाई, सब कुछ क्या समझा लेगा मगन भाई आपको। मगनलाल जी, आपने बताया नहीं कैसा लगा हमारा मंडप अरेंजमेंट। अरेंजमेंट तो ठीक है लेकिन दूल्हा ने जो पजामा पहना है बहुत सुंदर दिख रहा है। सुंदर दिख रहा है ना, सुंदर दिखेगा ये पजामा। किसका है? किसका? मेरा है। इसका पजामा जल गया था, मैंने अरेंज करके दिया। तो तुमने क्या पहना है? मैंने अपने पिताजी की लूंगी। पिताजी ने क्या पहना है? उन्होंने उनके पिताजी की लूंगी। अरे फाइनल पिताजी ने क्या पहना है मत पूछिए, वो इस दुनिया में नहीं रहे। I'm sorry. चले गए अपनी लुंगी छोड़ के। तब से हम लोग दूसरों को अपना पायजामा बांटते हैं और लुंगी पहन के घूमते हैं, यही हमारी परंपरा है और यही हमारी परंपरा है। वाह, कितनी सैक्रिफाइसिंग फैमिली है। जो वो कहते यजमान, आपके चेहरे की घड़ी पे 12 क्यों बजे हुए? अब क्या बताएं, लड़के वाले अचानक दहेज में 1,00,000 रुपया ज्यादा मांग रहे हैं। मैंने दिन रात एक करके 25,00,000 जमा किए थे, अब ये शादी नहीं हो सकती। अरे कैसे नहीं हो सकती, रबड़ी बन चुकी है, यहाँ मेरी चटनी बन चुकी है, पूर्णिया तल चुकी है, मेरी हड्डियाँ गल चुकी है। अब 2 मिनट रुकिए, मैं जरा खुदकुशी करके आता हूँ। एक मिनट यजमान, बाराती फैमिली के होते हुए आज तक कोई शादी नहीं रुकी। अरे ये शादी होकर ही रहेगी। एक काम कीजिए, आप हमारे बिल में से 1,00,000 रुपए काट कर उन्हें दे दीजिए। वाह धन्य, ये सब आप मुफ्त में करेंगे? अरे मुफ्त में कहाँ, हमें तो बहुत कुछ मिलेगा। शादी के बाद दुल्हन के चेहरे पर जो मुस्कुराहट होगी ना, वही हमारा प्रॉफिट। अरे दुल्हन के पिता के आंसू निचोड़कर हमें पैसे नहीं कमाने, ये शादी होगी और जो होगा अच्छा ही होगा। कितने अच्छे लोग हैं, ऊपर से लगते हैं चालू, अंदर से नरम जैसे समोसे में आलू। कितना अच्छा है दिल, नहीं लिया बिल। मैं आपका ये एहसान, इन आंसुओं को बचा के रखिए, विदाई के वक्त काम आएंगे। हैं? और खबरदार कोई रोया है इस मंडप में तो। बराती भाई साहब, वो लोग एक्चुअली 1,00,000 नहीं 1,50,000 रुपया मांग रहे हैं। शोभा नहीं देता चिरकुट। क्या करो, फट जाएगा। कमाल है, बेटी इनकी विदा हो रही है, रो रहे हैं आप। हम तो आपको कंपनी दे रहे हैं। अकेला इतना बड़ा आदमी रोए अच्छा नहीं लगता है सर, हम तो फुल सर्विस देते हैं। सगाई से लेकर विदाई तक फुल सर्विस। आप लोग भी कमाल है, दुनिया का नौवा अजूबा है आप लोग। मैंने फैसला कर लिया है, मेरी बेटी की शादी बाराती परिवार ही करवाएगा। क्या बात है, लेकिन अभी तक तो बात में ही हुई है, खाने की मिठाई की मंडप की डिस्काउंट की। मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, आपके पास जो सच्चाई है वही मुझे चाहिए। हीरे और इंसान को तराशना जानता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मेरी बेटी की शादी बाराती परिवार ही करवाएगा। मगन भाई, सब लेने आऊं एडवांस।
कल 12 बजे बिल्डिंग में आप रहेंगे ना वहाँ। तो भैया बेटी उनकी बता रही है, रो रहे हैं आप? अरे ये खुशी के आंसू है डफर। इसका कंफ्यूजन थोड़ा दूर करते हैं, अच्छा दोनों मिक्स करते हैं, थोड़ा रोते हैं थोड़ा हंसते हैं। ओके हाँ, पहले रोना। अच्छा ओ चंदू भैया मिल गया।